नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। अपने संघर्ष और आंदोलन के लिए जानी जाने वाली आम आदमी पार्टी संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए कमर कसती नजर आ रही है। आपको बता दें चले कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ ने आज लखनऊ प्रदेश कार्यालय से प्रेस वार्ता को संबोधित करते संभल हिंसा को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा प्रायोजित बताया। इमरान लतीफ ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है और राज्य में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इमरान लतीफ ने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की, देखिए ये रिपोर्ट। देश में सियासी हलचलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले झारखंड, महाराष्ट्र चुनाव, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी रही। उसके बाद 24 नवंबर को जो संभल में हुआ उसको लेकर लगातार सियासत जारी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी है और यहाँ पर दर्द भी जारी है, क्योंकि यहाँ पर दर्द है, लोग उसमें मारे गए हैं। संभल हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पर गतिरोध बनाए हुए और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत के प्रमुख इमरान लतीफ मौजूद है। उनका कहना है कि यहाँ इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जब तक कि तमाम चीज़ें खुलकर ना आए। क्या बोलेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से ये बात कह रही है कि ये दंगा सरकारी दंगा है, ये सरकार की तरफ से प्रायोजित दंगा है। सरकार ने पूर्ण नियोजित ढंग से नफरत का माहौल बनाया और उसके बाद ये हिंसा हुई, वरना 19 नवंबर को सर्वे पूरा हो जाता है, कोई हिंसा नहीं होती है। 24 नवंबर को किसके आदेश पर वापस से सर्वे कराया जाता है? सर्वे कंप्लीट होने के बाद 24 नवंबर को वो कौन लोग हैं जो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, जो माहौल ख़राब करने की काम करते हैं, जो एक समुदाय विशेष के लोगों को उकसाने का काम करते हैं? तो दरअसल पूरी तरीके से सरकार प्रायोजित यह दंगा था। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, दंगा हिंसा बलवा कराना चाहते हैं ताकि उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रहे, उत्तर प्रदेश दंगों की आग में, हिंसा की आग में जलता रहे। सरकार आरोप लगा रही विपक्ष पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर, और क्योंकि सांसद और विधायक के बेटे पर FIR भी दर्ज हुई है दंगा भड़काने को लेकर। क्या लगता है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, सत्यता कहाँ पर है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी पार्टी के नेताओं पे मुकदमे लिखने की बात है और जेल भेजने की बात है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इस वजह से भी मुकदमे दर्ज कर दें कि इन्होंने सांसें ज़्यादा ले ली, इन्होंने धरती पर कदम ज़्यादा चल लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी तो कोई मौका नहीं छोड़ती है विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए। उनकी नज़र होती है कि जो जनता जिन लोगों को जिताकर भेज देती है उनको भी वापस कैसे उनकी संसद सदस्यता लेनी है, कैसे विधानसभा की सदस्यता हड़प कर लेनी है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र इस पर होती है। कुल मिलाकर यहाँ जो फेल्योर रहा है वो सरकारी अमले का फेल्योर है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी अमले ने लगकर इस दंगे को कराया है। आपने तमाम बातें कही, सरकार पर भी आरोप लगाए, सरकार की क्या मंशा, क्या फायदा सरकार को यहाँ होने वाला है जिस तरह से आपने यहाँ पर आरोप लगाए? इस देश में भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, जो दंगों की राजनीति करती है। कौन है जो धर्म के नाम पर वोट मांगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसी है जो मजहब के नाम पर वोट मांगती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाए, मसलन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी होगी जो चुनाव आयोग को अपना ये हलफनामा देगी कि अब वो आने वाले किसी चुनाव में शामिल नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है, हिंसा की आग से, बलवा की आग से, दंगे की आग से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, वो ध्रुवीकरण करना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि बांटो, फूट डालो और राज करो, बांटो, फूट डालो, राज करो। अपने आप आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी, हमेशा उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो लगातार आंदोलन करती है, अन्य पार्टियों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रखती है। संभल मामले को लेकर क्या अगला कदम होने वाला, रणनीति क्या होने वाली?
देखिए, संभल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का मानना है कि इसमें कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की लीगल जो टीम है उस पूरे मामले को बड़ी बारीकी के साथ जांच कर रही है और पूरी नज़र बनाए हुए है। जल्द ही आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस मामले में कोई ठोस निर्णय लेगी। 27 चुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, सेमीफाइनल हो चुका है, समाजवादी पार्टी 2 और बीजेपी 7। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले साल का दिल्ली का चुनाव कैसे लड़ेंगे, मजबूती क्या है और क्या तैयारी चल रही है? दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के लोगों का आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है और आम आदमी पार्टी कोई दूसरी बात करती नहीं, आम आदमी पार्टी तो काम की बात करती है, मुद्दों की बात करती है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यही सब आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो ये बात कहती है कि अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। इतना साहस किसके अंदर है, इतनी हिम्मत किसके अंदर है, इसकी इतनी ताकत किसके अंदर है? ये ईमानदारी की राजनीति की ताकत है, ये काम की राजनीति की ताकत है कि आम आदमी पार्टी पूरे दावा करके सीना ठोक के ये बात कहती है कि अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो हम अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से दिल्ली के अंदर बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बौर प्रांत के प्रमुख इमरान लतीफ। इनका कहना है कि जो संभल में हुआ वो सरकार की ही पूरी साजिश थी जिससे वहाँ पर लोगों को दिक्कतें हुई, लोग मारे गए और फिलहाल मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम इस मामले में आगे बढ़ेगी और सरकार की तरफ इसको खींचने का प्रयास करेगी कि सरकार को लेकर लगातार विपक्ष घेरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है, बता रहा है कि सरकार की सुनिश्चित साजिश है, क्योंकि बीजेपी फूट डालो राज करो की राजनीति करना ही चाहती है और फिलहाल उसी की राजनीति करती नजर आ रही है। उसका कहना यह भी है आने वाले समय में इस मामले में क्या निकल गया है वो समय बताएगा, पर एक बात स्पष्ट है कि जहां पर कुछ चिंगारी होती है धुआं वहीं निकलता है। क्या पसंद अपूर्व के साथ गौरव श्रीवास्तव, टीवी भारत, लखनऊ। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।